सही शनिदेव मनु भैया जी, प्रणाम। मैं ना आपको 2 साल से फॉलो करता हूँ। जब से मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया था तब मैं ध्यान करता था और यह बीच में दबाव होता था, और तब तो मैंने फिर ध्यान करना भी बंद कर दिया था। और हाँ, जाप करता था, ध्यान करना बंद कर दिया था। जाप जाप जब भी याद आए ना तो मैं जाप करता था। ठीक है, अभी 10-15 दिन हुए मैंने ध्यान करना शुरू किया। और ध्यान भी कैसे करना शुरू किया कि एक बार सोचा कि चलो ध्यान करता हूँ, और ध्यान करने के लिए बैठा, और घर में ना सब खुश रहे ना तो बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। तो और पापा का धंधा चले ना अच्छा, तो वो भी खुश रहते। तो ना मैंने जाप किया और दोपहर हुई थी, सो गया। तो जब मैं जगा ना तो पापा ऑर्डर ले रहे थे, और तभी से मतलब सब खुश है, अच्छा लगता है, सब खुश है ना। तो और अब ना मैं जब जाप करता हूँ ना तो बीच में आज्ञा चक्र पे बहुत दबाव होता है, और आज्ञा चक्र की चारों ओर एनर्जी कुछ फ्लो हो रही है ना, ऐसा लगता है। और अभी तो क्या होता है कि कोई मतलब घूम रहा है आसपास, ऐसा लगता है। तो आज सुबह ना मैंने प्रार्थना की कि अगर वो दर्शन नहीं दे रहे कोई भी है जो दर्शन नहीं दे रहे तो सिर पे हाथ रखे। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई हाथ रख रहा है सिर पे। और एक बात और वो हुई कि हाथ जब रखा ना तो मतलब पूरे लेफ्ट साइड हैंड पे मतलब वो ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना, पूरा ठंडा ठंडा लग रहा है लेफ्ट साइड वाला हाथ, और ये सब ऐसा महसूस हुआ। और मतलब 2-3 बार जब भी सोचा ना तब तब वो हाथ रखा, तब तब वो वाइट क्या, वो ठंडा ठंडा हाथ लगा। और हाँ, और एक बात और भी हुई कि जब मैंने वो निर्मला माता वाला वीडियो देखा ना, वो शक्तिपात वाला, तो तब ना आपने बोला वाइट रोशनी दिखाई दे, तो मुझे तब पूरे एक झटके में वाइट रोशनी दिखाई दी, और मतलब वाइट रोशनी दिखाई दी और चली गई। और दूसरी बात यह होती है कि जब मैं झाप करता हूँ ना तो मुँह ना राइट की ओर मुड़ जाता है, और अब कभी कभी तो ये मतलब झाप यहाँ पे करता हूँ और दबाव यहाँ पे बनता है सिर के ऊपर के भाग पर। और एक बार क्या हुआ कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि ऐसे मतलब कमल जैसा बन रहा है, और नीचे कुछ है और कमल जैसा बन रहा है। तो मैंने एक वीडियो देखी निर्मला माता की तभी, तो मतलब वो सिर पे वो कमल जैसा बन रहा था, ऐसा मैंने तब देखा। और हाँ, निर्मला माता के शक्तिपात में एक और भी बात हुई कि जब मैं शक्तिपात देख रहा था, मतलब ध्यान कर रहा था और सुन रहा था ईयरफोन डाल के, तब ना मुझे लगा कि मेरा फ़ोन आ रहा है मेरे फ़ोन पे किसी का। तो तभी देखा ना तो फ़ोन नहीं आ रहा था, थोड़ी देर बाद मेरे फ़ोन में फ़ोन आया, और तब मैंने मतलब रिसीव करके जवाब दे दिया, और फिर मैं ध्यान पे बैठ गया। ध्यान पे बैठा तो ऐसा लगा कि मम्मी आ रही है, पर देखा तो मम्मी नहीं आ रही। तो फिर थोड़ी देर बाद मम्मी भी ऊपर आई, तो एकदम अचानक से सब मतलब अच्छा जा रहा है, बढ़िया है। जय शनिदेव।